हम श्री सच्चिदानंद सदगुरु प्रेम से निखिलेश्वरानंद स्वामी सदगुरु, आप सभी साधक जो नए प्राणी आए हुए, एक शंका जरूर आपको होगी कि ये परम पूज्य सदगुरुदेव जी के पुत्र होने के बाद भी सभी लोग वो लोग गुरु जी से अनुशासित है, गुरु जी से आज्ञा पाकर उन्होंने शिविर किया है। फिर ये अनिल कुमार ऋषि क्या चीज़ है, क्यों शिविर कर रहा है, क्यों आ रहा है, सहज है कि आप में ये शंका हो सकती है। मैं आपको एक निवेदन करता हूँ कि यह बात मैंने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की चरणों में भी लिखी थी। मुझे कोई गुरु बनने का शौक नहीं, लेकिन मैं एक गरीब घराने से हूँ। मेरे पिताजी के हम 6 भाई 1 बहन और मैं सबसे बड़ा हूँ। गरीबी क्या है मुझे अच्छी तरह जानता हूँ। और आजकल का धर्म हो, आजकल की शिक्षा दीक्षाएं हो, ये सारे पैसों पर आधारित है। इससे मुझे ये बात बार बार खटकती थी, क्या धर्म या साधनाएं या दीक्षाएं केवल पैसों वालों के लिए ही है? गरीब यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, नहीं आ सकता, इसके लिए क्या करना चाहिए? मैंने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के रहते ही, बड़े गुरुदेव के रहते ही, वैसे हैदराबाद में मैंने गुरु जी के 7 शिविर किए पूर्ण, और हर शिविर में परम पूज्य सदगुरुदेव जी, बड़े गुरुदेव जी, स्वामी निखिलेश्वरानंद जी आए। यह मेरे पर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा थी। बाद में परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने एक बार यूं ही कहा था कि जोशी, हिंदी भाषा भाषी जो लोग जहाँ हैं वहाँ मैं जो भी कहता हूँ वो लोग सब लोग सुन लेंगे, लेकिन तू दक्षिण का रहने वाला है, तेरे प्रांत में भाषाएं अलग अलग है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल भाषा है और मराठी, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ उस भाषा में मैं जो चाहता हूँ उसका ज्ञान देने के लिए वो भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और तू इन भाषाओं को जानता है। और गुरु जी ने पहली बार मुझे शिविर स्थल पर ही कहा था कि जोशी, मुझे आज यहाँ के लोगों को या जिनको मैं हिंदी भाषा नहीं समझती वो लोगों को इसका ज्ञान देने के लिए मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू गुरु मंत्र की दीक्षा दे सकता है। और मैं ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस गुरु मंत्र की दीक्षा गुरु जी के सामने ही दिया हूँ। और यह गुरु जी के कथन पर ही, गुरु जी के कहने पर ही मैंने तेलुगु वालों के लिए या जो भी आते थे उनके लिए उनको समझा कर कहता था कि गुरु जी क्या कहना चाहते हैं हिंदी में। मेरे को 5 भाषाएँ भी आती हैं, इसलिए मुझे उन्होंने आज्ञा दी थी, तभी मैंने एक कार्य किया। ये पहला मैं क्यों गुरु मंत्र देता हूँ या गुरु जी के आज्ञानुसार ही करता हूँ, ये पहली बात आपको समझा देना चाहता हूँ। उसके बाद नंबर 2 आता है कि परम पूज्य सदगुरुदेव से मैंने यही प्रार्थना की थी, प्रभु बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको साधना करने की इच्छा तो होती है, लेकिन छोटे छोटे घर होने के कारण जिसमें अपने माता बहनों का महीनावार होता है, साधना के समय में अड़चन होती है, गरीबी है, और साधना करते समय एक ही कक्ष हो, पूजा कक्ष हो, उनको रहने के लिए एक ही कमरा होता है, तो उसमें पूजा कक्ष का होना, साधना कक्ष का होना, और हमारे सारी दशा विद्याओं के करते समय हमारे को एक साधना कक्ष होना जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ पवित्रता का एक वातावरण हो और हम उस साधना को कर सकें। तब मैंने प्रभु जी सदगुरुदेव के चरणों में यह प्रार्थना रखी थी, प्रभु क्योंकि मैं भी 2 कमरे रहते थे उसमें ही साधना करता था, और मुझे इसका बात का अनुभव है कि 2 कमरों में साधना करना कितना कठिन होता है अपने बीवी बच्चों को लेकर या माता पिता को लेकर। तो मैंने प्रभु जी सदगुरुदेव से प्रार्थना की थी, प्रभु मैं एक ऐसा साधना केंद्र या एक आश्रम ऐसा बनाना चाहता हूँ जहाँ आपकी स्थापना हो, आप हो, और वहाँ जहाँ आप हो वहाँ जो लोग गरीब हैं, जो लोगों को पैसों की तंगी है लेकिन गुरु जी के प्रति बहुत प्रेम करते हैं, गुरु साधनाओं के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं साधना कक्ष खोलूँ, दशमा विद्याओं के लिए, और एक ऐसा आश्रम बनाऊँ। मैंने गुरु जी से आशीर्वाद लेकर ही विजय चेतना केंद्र हैदराबाद की स्थापना की। आज भी 1997 में गुरु से परमिशन लिया, जो पहली गुरु पूर्णिमा, आखिरी गुरु पूर्णिमा जो हैदराबाद में हुई थी, और गुरु जी के परमिशन से ही मैंने निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद की स्थापना की, जो 2000 में अपना कार्य आरंभ करती है। आज 2000 से 2023 साल चल रहा है, 24 साल चल रहा है। और मैं आपको कहता हूँ, अगर मैं गलत होता
तो गुरु जी कभी भी कहा मेरा दुकान बंद करके, ऐसे बहुत सारे साधक हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका दुकान आज बंद है, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं 2024 आज इतना कर सकता हूँ कि भारत के नहीं, बाहर विदेश से, देश विदेश से भी लोग आकर साधना करने के लिए हैदराबाद के आश्रम में आते हैं। अगर धर्म, मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर धर्म बेचा जाए तो हम धर्म को खरीदने के और बेचने का काम करते तो ये व्यापार हुआ। हम पहले गुरुकुलों में देखते हैं जहाँ ऋषि लोग जंगल में रहते थे, चाहे राम, श्री रामचंद्र जी हो जो राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, चाहे कृष्ण हो जो भी श्रेष्ठ देवता थे, लेकिन उनकी पढ़ाई गुरुकुलों में ही हुई। और उन गुरुकुलों में जहाँ गुरु अपने शिष्यों को वह कर्म और वह सेवा और वह मार्ग बताता था और जो गुरु खिलाता था वो लोग खाते थे। ऐसा कभी आपने सुना है क्या कि किसी गुरुकुल में भेजते समय राजा ने हो, राम ने हो, कृष्ण ने हो, पैसे भेजे हो और मेरे मेरे बेटे को आप पढ़ाओ, ऐसा कभी कहा है? कोई दक्षिणा दी? जो गुरु, मेरा कथन है, आप उसका बुरा मानो या भला मानो, मुझे मैं उसके बारे में चिंतित नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ वो गुरुकुलों में जब शिष्य पढ़ने जाता था तो गरीब हो या धनवान हो, राजकुमार हो, उनको एक साथ देखा जाता था। कृष्ण भी शांतिपुरी महामुनि के गायों को चरा कर लाते थे और उनके लिए लकड़ी काट कर लाते थे, उनके खेतों को पानी देते थे, ये भगवान श्री कृष्ण थे। रामचंद्र जी भी वशिष्ठ महर्षि के आश्रम में अपनी विद्या सीखने के लिए गए तो वहाँ राजकुमार बनके नहीं गए, शिष्य बनकर गए और उन ऋषियों ने उनको पाला, उन ऋषियों ने जो खाना दिया वो लोगों ने खाना खाया। ये गुरुकुल थे हमारे और ये गुरु परंपरा थी हमारी। गुरु दक्षिणा मांगता था या नहीं ये बात अलग, मैं आज आपके सामने बैठा हूँ ये बात कहना, इसका लोग कोई भी अर्थ ले ले, मुझे उसके बारे में मैं चिंतित नहीं हूँ। अगर गुरु असमर्थ हो, गुरु शिष्य के पैसों पर जीता हो तो वो गुरु क्या? साधना में तो बड़े बड़े बताते हो कि ये साधना करने से आपके पास लक्ष्मी आएगी, ये साधना करने से आपके पास तारा स्वर्ण देगी। अगर आपके पास ये सब आता है तो उन शिष्यों को क्यों नहीं श्रेष्ठ बनाते जो गरीब है, जो चिंतित है, जिनकी समस्याएं हैं? अगर आप कहते हैं, मैं आपको ये अभी नहीं, बहुत बार मैं ये बात कह चुका हूँ, आप कोई भी हो, पुस्तकें लिखते हैं, पत्रिकाएं लिखते हैं, आपको एक बार एक बात कहता हूँ, अगर ये साधना करने से काली प्रत्यक्ष होती है, ये कहने से तारा सर के नीचे 3 तोला सोना रखती है, अगर ये सब आपने कहा है तो मैं आपके चरणों में प्रार्थना करके आपके सामने सर झुका कर कहता हूँ, जिन्होंने ये लिखा है वो लोग प्रत्यक्षीकरण करके बताए कि ये साधना करने के लिए फल काली प्रत्यक्ष होती है, काली प्रत्यक्ष करके बताए। खाली पुस्तकों से लिखने से नहीं होता और आजकल सिर्फ पुस्तक की बाधारी और वचन रह गए। हम जब साधना शिविर में आ जाए तो सिर्फ गुरु जी को विश्वास करो, गुरु जी का मंत्र करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अरे भाई, गुरु जी की इच्छा पूर्ण होगी तो पत्रिकाएं क्यों निकालते हो, क्यों साधना है बताते हो? अगर गुरु का नाम मात्र मंत्र जाप करने मात्र सब कार्य होता है तो पत्रिकाएं क्यों, क्यों साधनाएं लिखते हो? साधनाएं हर तपस्वी ने साधना की, कृष्ण ने भी, राम ने भी, हनुमान जी ने भी कामकला की साधना की है, रावण ने भी साधना की है, और तब कोई कोई तपस्वी है जिसने शरीर को ताप दिया उसे तपस्या कहा जाता है। आज तपस्या नहीं है, पैसे दो, दीक्षा दो, चले जाओ, आपको फायदा हुआ नहीं हुआ वो आपकी आपकी मर्जी। और आप पैसा एक एक पैसा इकट्ठा करके लाते हो तो कितना कष्ट होता है मैं जानता हूँ, उस गरीबी से गुजरा हूँ। मैं आपसे आपको चाहता हूँ कि आपके जीवन में तपस्या हो, आपके जीवन में साधना हो। और गुरु जी ने सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की थी, गुरु जी ने कोई ऐसी संस्था की स्थापना के लिए नहीं की जो गुरु दीक्षा परिवार हो, ऐसा नहीं कहा था। गुरु ने साधकों को चुना था, जो साधना करने वाले थे उनको चुना था, साधना करने वालों के लिए गुरु ने साधक परिवार की स्थापना की थी। आज जो उनका मुख्य उद्देश्य था, सिद्धाश्रम को साधने की बात कहते थे और सिद्धाश्रम साधने के लिए 3 महाविद्यालयों का जागृत होना, सिद्ध होना जरूरी है, ये बार बार वो कहा करते थे। आज क्या इस विषय में आपके ऊपर प्रकाश डाला जाता है कि आप सिद्धाश्रम में आप 3 महाविद्याओं की साधना करो, आप सिद्धाश्रम को पहुंचो? क्या आज आपके इन प्रवचन में आप सुनते हैं? अगर ये नहीं है तो फिर हम क्या गुरु जी के वचनों को लेकर चल रहे हैं, गुरु जी के उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं? और जब तक अपने को ये उद्देश्य लेकर नहीं चल रहे हैं तो फिर हम गुरु जी की क्या सेवा करें, गुरु जी के क्या वचनों की प्रार्थना करें, क्या गुरु जी को किस वचनों को लेकर चल रहे हैं? मैं आपके सामने बैठा हुआ, मैं भी सरकारी नौकर था, बाद में सरकारी नौकरी छोड़कर परम पूज्य गुरुदेव जी की साधना परंपरा में आया,
गुरु जी ने भी मेरी परीक्षाएं बहुत ली, 7 साल 10 साल तक परीक्षाएं ली। लेकिन जिस दिन दिल्ली के आश्रम में मैं गुरु जी की चरणों में गया और कहा कि गुरु जी इस जिंदगी को ऐसा दो, या तो मेरे सामर्थ्यवान शिष्य बनाओ या नहीं तो मुझे मृत्यु दे दो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपका असमर्थ शिष्य बनकर जीना नहीं चाहता। और गुरु जी ने मुझे आज तक आज भी वो दिन याद है, गुरु जी ने कहा जोशी तो मेरी परीक्षा में हो 10 साल हो गए थे, मैं भूल जाके बहुत सारी साधनाएं करता था, कोई सफलता नहीं मिलती थी, बहुत विफलताएं झेलनी पड़ी, लोगों के ताने सुनने पड़े, इवन माँ बाप के ताने भी सुनने पड़े, मेरे दोस्तों के ताने सुनने पड़े, मैं सुनता था। लेकिन जिस दिन गुरु जी ने कहा कि जोशी तो परीक्षा में पास हो गया है, उस दिन से मैंने कभी पलट के नहीं देखा, मेरे पीछे वो सारे देवताएं थे। आज भी मैं आपको इस मंच पर बैठ कर कह सकता हूँ कि मैं अगर किसी की साधना करूँ और उस देवता का आह्वान करूँ तो मेरे घर के सामने देवता खड़े होते हैं कि मैं आपको। आज कोई भी आप यहाँ तक यार लोग आए हैं, जहाँ निखिल चेतना के दुख आए हैं, किसी को भी आप पूछ कर एक बात मालूम कर लेना, मैं 24 साल से आश्रम चला रहा हूँ, एक बार आप आश्रम में प्रवेश कर जाओ, आपको रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, और केवल आप साधना करके चले जाओ, ऐसी व्यवस्था मैंने करके रखी है। और इसके लिए क्या कष्ट होता है आपको, एक परिवार चलाने के लिए कितना कष्ट होता है आप जानते हैं, लेकिन मैं ऐसा परिवार चलाता हूँ जो आज आश्रम में कम से कम 200-300 लोग रोज के रहते हैं, इसके बाद भी आज हर अमावस्या को 1000 लोग आते हैं, मैं उनको खाना और फ्री देकर साधना देता हूँ। यह उस साधना की शक्ति है, उस गुरु जी की शक्ति है जिसने जिन्होंने मुझे दी है। मैंने भी धारा साधना संपन्न की, क्यों नहीं करूंगा। गुरु जी ने गुरु पूर्णिमा में कहा था, जोशी अगर लक्ष्मी मेरे आंगन में नाचती है तो तेरे आंगन में भी नाचेगी। आज गर्व से कहता हूँ कि गुरु जी के वचन सिद्ध है, मेरे आंगन में भी लक्ष्मी नाचती है। और मैं आज इतने लोगों को अगर चलाता हूँ, इतने लोगों को खाना खिलाता हूँ, एक मैं सामान्य परिवार का मनुष्य, न मेरे सास ससुर से पैसे आए, न कोई माँ बाप से पैसे दिए, केवल साधना के पद पर चलाता हूँ, तो इसके पीछे का रहस्य क्या है। आज भी अगर आप देखते हैं तो मैंने जो मेरे पास आए हैं वो लोग जानते हैं, मंदिर का 1/4 हिस्सा तो पूर्ण हुआ, गुरु मंदिर दशमाहिद्याम के साथ बांधना चाह रहा हूँ, और केवल यह कह के मैं बांधना चाहता हूँ कि मैं गुरु मंदिर बांध रहा हूँ, इस नाम पर पैसे लेकर साधना मंदिर नहीं बनना चाहता, मेरे साधना के बल पर मंदिर बांध के बताऊंगा। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, जियो तो ऐसे जियो गुरु जी का नाम लेकर, आपके परिवार को सुख संतोष के साथ रहते हुए 10 परिवारों को जीने की कला सीखो और साधना के बल पर उतना धन कमाओ, उतना पैसा कमाओ। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, धन का दुरुपयोग करना बुरी बात, धन क्यों नहीं कमाना चाहिए। महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली कहते हैं, तो महासरस्वती का अर्थ होता है ज्ञान को प्राप्त करना, महालक्ष्मी का अर्थ होता है घर पूर्ण, घर दार सब कुछ होना, वाहन होना सब कुछ होना, और महाकाली का अर्थ होता है आप शक्ति संपन्न हो, निरोगी हो, आपके पास शक्ति निरशक्त न हो और आरोग्यवान हो, ये 3 शक्तियों को महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली कहा गया। और जब इन 3 साधनाओं को करते हैं और इन 3 साधनाओं के जो देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, हम उनको गुरु के रूप में ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरु महेश्वर गुरुदेव महेश्वर कहते हैं, तो हमारे पास ही क्यों ना हो, हमारे पास इसका ज्ञान क्यों ना हो, हम क्यों प्राप्त ना करें। मेरा केवल उन लोगों से निवेदन है, उन लोगों को मैं चाहता हूँ जो एकदम नीचे स्तर पे हैं और जिनको कोई सहायता करने वाले नहीं है, ऐसे लोगों को मैंने गुरु से मांगा था कि मैं सहायता कर सकूँ, मैं देश में ऐसा एक व्यक्ति तो खड़े रह सकूँ जो स्वामी निखिलेश्वर जी के मंत्र करता है और उसको मैं फ्री हॉस्पिटैलिटी, उसको फ्री दवाखाना दे सकूँ, उसको रहने के लिए जगह दे सकूँ, उसके दुखों में मैं आकर खड़े रह सकूँ, उसको सहायता कर सकूँ, इतनी शक्ति प्रभु मुझे प्रदान करना। और जहां तक मेरे मुझसे हो सकता है मैं आज कर रहा हूँ। मैं और भी चाहता हूँ, कोई दुखी आता है तो मुझे दुख होता है कि उसके दुख को किस तरह निवारण करूँ। वह गुरु है मैं आपको कहता हूँ जो शिष्य के हर कष्टों में साथ रहे, खड़े रहे, कम से कम सांत्वना दे सके, उसको कहे कि मैं हूँ तेरे पीछे, ऐसा करने वाला गुरु है। केवल पैसे लेकर चले जाए और उसको जवाब न दे, ये गुरु कहलाना नहीं कहलाता और गुरु नहीं कहलाना चाहिए। केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है, गुरु जी की शिष्य की भावनाएं, शिष्य की भावनाओं के साथ ना खेलें। और जो अपने शिष्य को एक श्रेष्ठ सामर्थ्यवान नहीं बनाता वो गुरु कहलाने के लायक भी नहीं। आप हर गुरुकुल में देखें, जितने गुरुकुल शादी भरी महामुनि के कुल का गुरुकुल क्यों ना हो या फिर वशिष्ठ महर्षि का गुरुकुल क्यों ना हो, वहां आपने देखा है आज वशिष्ठ महर्षि आश्रम में, हम सुनते हैं कि उनके आश्रम में कामधेनु थी, आज वो विद्या काम है, कामधेनु के बल पर उन्होंने राजा महाराजाओं को चांदी के थाली में अप्सराओं के साथ खाना परोसा था।
क्या वो भीख मांगने गए थे किसी राजा तुम्हारा राजकुमार आया है मेरे को पैसे दो ऐसा मांगने गए थे? वे अपने ब्रह्मदंड पर, अपने शक्ति पर, अपने कामदेव की शक्ति पर, अपने लक्ष्मी पर अपना आसन चलाते थे। वो गुरु थे। आज वो गुरु परंपरा कहाँ चली गई? आज वो कामदेव की परंपरा कहाँ चली गई? आज गुरु जी अगर तारा साधना के बारे में लिखते हैं कि तारा तुम्हारे सर के नीचे तीन तोला स्वर्ण रखते तो वो साधना कहाँ गई? क्या गुरु जी झूठे थे? कभी तो हमारे में हम अगर साधना निश्चित रूप से करें, हमारी भावनाओं को श्रेष्ठ रखें, तो हम उस साधना को प्राप्त कर सकते हैं और आज भी हम उस जीवन को जी सकते हैं जो ऋषि परंपरा में थी। शिष्य के पैसों पर पलने वाला मुझे यहाँ तक है वो गुरु कहलाने के लायक नहीं। शिष्य के हर दुख में अपना सहभाग देने वाला वो गुरु है। शिष्य के दुख को सुनने वाला गुरु है। शिष्य के दुख को देखने वाला गुरु है। शिष्य का सहायक गुरु है। और यह जब तक नहीं होता तब तक हम आजकल के गुरुओं को जो देख रहे हैं आप, जो केवल पैसों पर पलते हैं, शिष्य के पैसों पर पलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो गुरु कहलाने के लायक है। अगर तुम्हारे में तुम्हारी साधनाओं में शक्ति है तो तुम वो लक्ष्मी साधना क्यों नहीं करते? तुम वो तारा साधना क्यों नहीं करते? शिष्य को पैसा क्यों नहीं बांटते? शिष्य को क्यों वो सिद्धि प्रदान नहीं करते? क्या तुम सिद्ध हो? क्या तुम सिद्ध हो? ये सिद्धि प्रदान बता सकते हो कि तुम्हारे में ये सिद्धि है? अगर है तो फिर ये बातें क्यों? मैं आज आपके सामने बैठा हूं क्योंकि मेरा परिचय देने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे समझें। मेरी इच्छा क्या है? मैं चाहता हूं कि जो भी गुरुपद पर बैठे हुए हैं वो शिष्य के दुख को समझे। शिष्य किसलिए आपके पास आता है? अपने अच्छे बुराइयों को लेकर आता है। अगर आप ये कहकर कहते हैं कि मैं तुझे शक्तिपात दीक्षा देता हूँ तू चला जाओ, या मैं तुझे ये देता हूँ दीक्षा देता हूँ तू लेकर चला जाओ, तू गुरुशाल पहन चला जाओ, ये कहता हूँ, तो क्या उसके घर में हो सकता है? आप अगर एक बार एक शिष्य को कहें कि भाई तू तारा साधना कर, इतने दिन की साधना है, तू गुरु मंदिर जब सवाला 5 लाख कर, जिसके घर में बेटी जवान हो, उसकी शादी होनी हो, जिसका घर में बाप बीमार पड़ा हो, जिसके घर में अशक्त हो, उसको अगर तुम साधना करने के लिए कहो तो क्या वो साधना कर सकता है? वो अपने बेटी बाप को देखेगा या बेटी जवान बेटी की शादी को देखेगा या फिर साधना करेगा? उसकी उस समस्या को तुम हल करो वो तुम्हारी कौन सी भी साधना करने के लिए तैयार रहता है। क्या उस समस्या का तुम समाधान दे सकते हो? और जिस दिन समस्या का समाधान दे सको आपसे निश्चित रूप से गुरु और आप उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ने की तैयारी कर सकते हो। मैं गुरुपद की निंदा नहीं कर रहा हूँ या आजकल के गुरुओं की निंदा नहीं कर रहा हूँ। भाई गुरु का कर्तव्य ये होना चाहिए कि शिष्य के हर कष्टों में वो भाग ले, हर कष्टों के सामने वो खड़ा हो, गुरु जी के उसको गुरुदत्व प्रदान करे। केवल ये बात ना कहें कि हम गुरुपद पर बैठे हैं, आप कुछ नहीं गुरुमंत्र जब करो आपको सब कुछ हो जाएगा। अरे सब कुछ होता तो आज ये दिन क्यों देखना पड़ता? उसके घर में कितनी समस्याएं हैं, उसके घर में बीमारी है, उसके घर में धन का अभाव है, उसके घर में, और तुम कहते हो तू इतना धन दे दीक्षा ले ले मेरे पास, तू इतना धन दे दे मेरे पास ये ले ले, ये कहाँ तक सही है? क्या हम उसके उस दुख का निवारण कर सकते हैं? और जब तक हम शिष्य के दुख का निवारण नहीं कर सकते हम गुरु कहलाने के लायक नहीं। हम पहले गुरु के शिष्य के हर उस वचन में, गुरु शिष्य के हर एक दुख में हम भाग लें तो हम गुरु हैं, हम गुरु कहलाने के लायक, हम गुरु कह सकते हैं, हम गुरु को गुरु कह सकते हैं। मैं ये बात आपको भी नहीं कह रहा, आप अनुभव करें, आप अनुभव करें। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे भी गलत आप कह सकते हैं, उठकर कह सकते हैं कि आप गलत हो, वो ही लोग सही। मैं चाहता हूं कि एक ऐसी परंपरा आरंभ हो जिसमें शिष्य के दुख को मिटाने, शिष्य के कष्टों को निकालने और शिष्य को एक अच्छे से सम्मान पर लगाने की शक्ति गुरु को रखनी चाहिए और गुरु उस मार्ग से आगे चलना चाहिए। अगर गुरु के दुख शिष्य के दुखों को गुरु नहीं पहचानता या शिष्य के पैसों पर अगर गुरु पलता है तो वो गुरु शिष्य की परंपरा नहीं। ये मेरा कथन है और मैं उसी मार्ग को लेकर चल रहा हूँ, चाहे मुझे कितना भी कष्ट हो। मैं आज भी साधनाएं करता हूँ, आज भी जंगलों में जाकर साधना करता हूँ, आज भी वो तपस्या करता हूँ। तपस्या का अर्थ होता है अपने शरीर को ताप देना, अपने शरीर को कष्ट पहुँचाना। तपस्या उसे कहा गया, तुम तप जाओ तब उसे तपस्या कहलाएगी। फैन के नीचे बैठकर कहते हुए मुझे साधना सिद्ध नहीं होगी, ये कहना गलत है। आप जब तक इस बात को लेकर नहीं चलते कि आपको साधना करनी है, आपको साधना करने के बाद एक बार फेल नहीं मिला दूसरी बार आप गुरु पर विश्वास रखकर साधना करते हो तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि आपकी समस्याओं का समाधान आपको साधना के रूप में मिल सकता है। और गुरु ने सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की, आप साधक बनो। आज
मैंने इस मंडलाक्षेत्र में हमारे चंद्रमोहन सिंह जी और उनके मित्र परिवार उन सभी के कथन पर यहाँ मैंने धनदा यक्ष की साधना देने की इच्छा व्यक्त की थी। यह क्यों जो यहाँ धनदा यक्ष ही साधना में देना चाहता हूँ। संसार में कहा गया है कि यक्ष एक ऐसी जाति है जो सर्वशक्तिमान है और यक्ष के राजा कुबेर कहलाए जाते हैं। कुबेर आप अगर सच्चाई देखी जाए तो शिवजी के पुत्र को देखे होंगे आप, शिवजी के भक्तों को देखा आपने, सभी को देखा, लेकिन कुबेर ही एक ऐसे व्यक्तित्व है जिसको शिवजी ने कहा यह मेरा मित्र है। कुबेर को शिवजी ने मित्र कहा और मित्र के रूप में उसको धनाकार का श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाया और वह यक्षों का राजा कहलाया जाता है। और यह मैं आप जो कहता हूं, इस संसार में जितने भी वृक्ष हैं उन वृक्षों पर वृक्षाक्षित वृक्ष के आश्रित यक्षिणी रहती है। जितने भी वृक्ष हैं, निर्गुंडी यक्षिणी, औदुम्बर यक्षिणी, चिंचिनी यक्षिणी, आम्र यक्षिणी, वट यक्षिणी, ऐसे नाम से। और यहाँ इतना जंगल फैला हुआ है, जिस वृक्ष को कभी गुलाड़ी ना लगी हो, जिस वृक्ष को कोई लोहा ना लगा हो और उसको काटा ना हो, उसके ऊपर निश्चित रूप से यक्षिणी का वास होता है। आज हमने देखा है गौतम बुद्ध जी हो, पीपल के वृक्ष नीचे बैठकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। माता सीता अपने शोक को मिटाने के लिए रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए अशोक वृक्ष के नीचे वनवास जंगल में बैठी हुई थी और पंचवटी में भी वो वृक्ष के नीचे रहा करते थे। आज हम कहीं बाहर निकलने से पहले विचारते हैं कि घर में जेब में कितने पैसे थे, कितने पैसे हैं और कैसा आगे चलकर गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, खाना खाने को मिलेगा। क्या रामचंद्र जी और सीता जी वनवास को निकलते समय पैसे लेकर निकले थे? किस तरह उनका वह 14 वर्ष का वनवास उन्होंने काटा हो, केवल गुरु पर विश्वास करके साधना के बल पर जो मिला जंगल में खाते हुए वो तपस्या की, चाहे पांडवों का वनवास हो या चाहे राम सीता जी का वनवास। मैं बहुत बार हमारे लोगों को भी जब साधक बैठते हैं तो मैं बहुत बार कह चुका हूं, आप मेरे साथ जंगल में भी आओ, अगर आपको मिष्ठा नहीं खिलाया तो कहना अनिल कुमार जोशी नहीं मिला इस साधना। घर और दार में तो परिवार में तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आप ऐसी जगह जहाँ जंगल का वातावरण हो, जंगल हो और आप मेरे साथ हो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहना आप गलत है। क्यों, किस बल पर कहता हूँ ये बात? केवल साधना के बल पर कहता हूँ ये बात ऐसा होगा। मैंने ऐसे घने जंगलों में लोकल स्टेशन के जंगलों में जहाँ शेर आदि घूमते हैं ऐसी जगह में शिवरात्रि की और ऐसी जगह में लोगों को बूंदी के लड्डू का खाने के साथ मैंने भोजन दिया या जो मेरे साथ आए उनको पूछ लेना कैसा हुआ या नहीं हुआ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझसे ऐसा, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ मैं कोई गुरु हूँ, मैं गुरु भाई हूँ और आपको चाहता हूँ कि आप भी सामर्थ्यवान बनो। अगर मंडला का क्षेत्र है तो चंद्रमोहन सिंह जी भी ऐसा एक आश्रम बनाए जहाँ गरीबों के लिए साधना का क्षेत्र हो, वो बने और लोगों को कहें। मैं नहीं चाहता कि वो गुरु बने, मैं चाहता हूँ कि वो गुरु भाई बने और कहे कि उन लोगों के लिए साधना का मार्ग प्रशस्त करे। और जिस जब तक इस देश में साधनाएं थी, जब तक गुरुकुल की विद्याएं थी, जब तक गुरुकुल के शिष्य थे, तब तक भारत को कोई जीत नहीं सका। चाहे चाणक्य चांद्रगुप्त हो, चाहे स्वामी समर्थ रामदास छत्रपति शिवाजी जी हो, चाहे विजयनगर के साम्राज्य के विद्यारण्य स्वामी और श्री कृष्ण देव राय हो, ऐसे लोगों ने स्वर्ण वर्षा करवाई। ये कहां से चलता था? विद्यारण्य स्वामी ने स्वर्ण वर्षा करवाई थी, उनको तारा सिद्धि थी, भूरी चूरी सिद्धि थी। आज वो सिद्धियां कहां गई? आज कहीं हम जान सकते हैं कि कामधेनु जो सब कुछ धन धान्य और अप्सराओं को भी दे सकते हुए हजारों लोगों को खाना खिलाने की शक्ति रखता था, क्या वो कामधेनु की विद्या जानता है? क्यों नहीं जानता? मैं बात कहते कहते रुक गया कि यहाँ ये वृक्षों के रहने के कारण मुझे इच्छा हुई कि यहाँ इतना घना जंगल है, यहाँ हम अगर यक्षिणी साधना करवाएं तो यक्षिणी साधना एक ऐसी श्रेष्ठ साधना है जिस, आप कभी भी याद रखो, जिस वृक्ष को कुल्हाड़ी ना लगी हो, जिस वृक्ष को किसी अस्त्र शस्त्र से काटा ना हो, उस वृक्ष के नीचे बैठकर अगर आप कोई भी यक्षिणी साधना संपन्न करते हैं तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपको वो साधना सिद्ध होती नहीं। हर एक हमारे घर में हम तुलसी यक्षिणी भी है, निर्गुंडी यक्षिणी भी है, ये क्या यक्षिणियां है? हमारे घर में तुलसी को क्यों लगाया जाता है, आम्र यक्षिणी को क्यों लगाया जाता है? आप
इस वृक्षों का ज्ञान देने के लिए यक्षराज कुबेर जी ने कहा था एक बार कि मैं तो कुबेर हूँ, धनागर मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, देवता है। आज आप जो बालाजी जानते हैं, तिरुपति के बालाजी के पास रोज 2 करोड़ रुपया आता है। लेकिन जब उनकी शादी थी, वे लक्ष्मी जी से रूठ कर आ गए थे पृथ्वी पर, तो उनके पास एक पैसा भी नहीं था। तब उन्होंने नारद जी से कहा था कि अरे भाई मेरी शादी है, शादी को पैसा नहीं है। तो नारद जी ने उनको एक सजेशन दिया और कहा कि ऐसा करो, कुबेर जी के पास जाकर लोन ले के आओ। आजकल तो हम लोन लेने में माहिर हैं, थोड़ा काम भी होगा तो लोन लेने जाते हैं। तो बालाजी भी लोन लेने गए नारद जी को बोलकर कुबेर जी के पास। तो कुबेर जी ने कहा भाई मैं लोन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इतना होता है, हर महीना इंटरेस्ट, हर रोज का इंटरेस्ट देना। आप तो महीने को देते हैं, उन्होंने तो रोज का इंटरेस्ट देना है। बालाजी भगवान, बालाजी ने शादी ही करनी है तो भाई इंटरेस्ट तो देना ही। और उन्होंने कुबेर जी से धन लोन पे लिया। तो कहा, कुबेर जी ने कहा भाई असर कब चुकाओगे? अरे यार क्या बताऊं, लक्ष्मी माता रूठ गई है, जब वो वैकुंठ में आएगी तब असर देऊंगा, अब तो इंटरेस्ट पे ले चला। अगर आप जानते हैं, आप कभी तिरुपति बालाजी गए हुए हैं, तो यहाँ वो एक कॉर्नर पे दक्षिण के अग्निकोण में कुबेर स्थान है, तो भगवान बालाजी का पूरा रथ निकलता है। लेकिन जब वो कुबेर का स्थान आता है, वहाँ भाजा भूजा बंद कर दो। बोले क्यों? अगर उसको याद रहा तो फिर पैसे पूछता मेरे पास पैसे। अब एक बात देखो, आप भी नहीं, वो भी, वहाँ भी देवता भी वही करते हैं। वहाँ आते बाजा बंद हो जाता है, बाजा बाला जी कहते हैं अगर उसको मैं बाजा रथ पे जा रहा हूँ तो सब खींच लेगा, तो मेरे पास इतना पैसा है, दो बोलेगा बाजा बंद कर दो, और वहाँ बाजा बंद करके आगे चलते। ये मैं वास्तविक बात बता रहा हूँ, हम ही डरते नहीं, देवताओं में भी ये बात है, ये वास्तविकता है। तो ये हम इस तरह का जीवन जीने से पहले कि हम किस तरह धनवान, हम किस तरह पैसे वाले। आज देखा जाए तो भारत सागर संसार में भी अगर कहें तो हम कहते हैं कि बालाजी जैसा संपन्न आदमी रोज के करोड़ों रुपए आते हैं उनको, करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन वो कुबेर के सामने ऋणी रहने के कारण बाजा नहीं पूछता। हमारा भी वही हाल, हम ऐसा नहीं, हम धन संपन्नवान हो, हम इसके लिए क्या करें? मैं आपको ये बात कहने के लिए कि यह मंडला क्षेत्र ऐसे वृक्षों से हरा भरा है जहाँ महालक्ष्मी महाश्री महाकाली का निर्गुण यक्षिणी, तुलसी यक्षिणी, वटर यक्षिणी, ऐसी यक्षिणियों का स्थान इस जंगल में है। यहाँ अगर हम अच्छी तरह हमारे इतिहास को पढ़े तो मंडल मिश्र जी जो शारदा देवी को पत्नी के शक्ति के रूप में आराधना करते हुए एक श्रेष्ठ मत का आरंभ कर दिया था, उसका नाम था जैन मत। जैन मत के अधिकारी थे वो, और शंकराचार्य जी ने उनको हराने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ आए, और उन्होंने शारदा माता के साथ उस शास्त्रार्थ किया, ऐसा कहा जाता। तो ऐसे शास्त्रार्थ करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ विद्वत्ता का जागृत करने वाले जैन मत में सारे देवताएं, चाहे घंटाकर्ण हो, चाहे माता पद्मिनी, जैसे हमारे सनातन धर्म में लक्ष्मी है, वैसे जैन धर्म में लक्ष्मी प्रदान करने वाली माता पद्मावती को कहा जाता है। वैसे ही उनमें घंटाकर्ण नाम के लक्षण है, जैसे हमारे पास हनुमान जी है, वो भी इच्छा पूर्ण करने वाले। जैन मत में बहुत सारे देवता, ये सब यक्ष कहलाए जाते हैं। जैसे हमने पहले युग में वेदों पर आधारित थे, रामचंद्र जी के युग में हमने ऋषियों का, ऋग्वेदों का, वेदों का पालन किया, और कृष्ण के युग में गंधर्वों का, जो गान पर आधारित थे, कृष्ण में, कृष्ण के हम द्वारका में देखते हैं सब नाच नाचते थे, गाते थे, मोरी बजाते थे, ये गंधर्वों का था। आज की इस कलयुग में हम स्मरण मात्र से इन चारों को भी, जैसे अप्सराएं हैं, गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है, इनकी सभी की हम साधनाएं संपन्न कर हम भी संपन्नवान हो सकते हैं। लेकिन इसका मार्ग बदलाने वाले को इसको किस तरह करना चाहिए? तो आज एक बार की बात है, रावण जो वैश्रवण का पुत्र था और उनके भाई का पुत्र कहा जाता था कुबेर, कुबेर ने ही पहली बार भगवान शिव जी से अक्षय पात्र प्राप्त कर स्वर्ण नगरी लंका बनाई थी। स्वर्ण की नगरी, लंका के अधिपति, लंका को स्वर्ण की नगरी बनाने वाले कुबेर थे, जिसको जिन्होंने शिव जी के पुत्र रहने के कारण शिव जी से अक्षय पात्र खरीदा था और उसको नित्य सोना प्रदान करता था, और उन्होंने लंका की स्थापना की। लेकिन जब रावण तपस्या करके बाहर आया तो वह अपने राज्य के लिए ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ मेरा राज्य बनाऊँ, कोई अच्छी नगरी बसाऊँ, अच्छा नगर बसाने के लिए देख रहा था। तो उनके भाई, एक दूर से भाई लगते थे, कालनेमी थे, उन्होंने कहा कि अरे इधर उधर कह को ढूंढते हो यार, तुम्हारे भाई की स्वर्ण लंका है, बस उसको ले लो, उसके पास ले लो। अरे भाई की लंका है कैसा लेना, आपको क्या करने का है? जो राजा है, जो जिसमें शक्ति है, वो प्राप्त किया, लूटा, ले लिया, उसमें क्या है? आप जाओ और पूछो।
उन्होंने कुबेर के साथ युद्ध किया और कुबेर को हराकर लंका रावण ने अपने पास ली। देखो ये रावण की स्थापित की हुई नहीं, रावण ने कुबेर से इस लंका को अपने पास ले लिया। ऐसे ही रावण, हाँ आपने देखा कि ऐसे ही रावण ने इन सारी चीजों को करने के बाद भी रावण जब बैठा था तो एक बार आकाश से गुजर रहा था, उसके रावण की लंका में कहते हैं कि हजारों स्वर्ण और वज्र से पूरी घायल थे और उसमें लाखों स्त्रियां थी, लाखों स्त्रियों को लाकर रखा था। वो तो पहले सर्वशक्तिमान था ही था, उसके साथ साथ उसने कितने ही स्त्रियों को अपने पास रखकर उसने कार्य किया था। कहते हैं कि जब सीता माई को उठा के लाए तो उन्होंने अपने स्वर्ण की लंका बताते हुए कहा था, ये वज्र है, ये वज्र के सोने का पलंग है, हाथी के दांत का पलंग है, वज्र का पलंग है, देख सीता यह कितना ऐश्वर्य। सीता माई तो एकदम निष्ठुर थी, राम की परम की पतिव्रता थी, उन्हें देखा, ये वर्णन आप अगर जाकर देखते हैं तो अरण्यकांड में, युद्धकांड में ये बताया है, बताया गया है कि रावण कितना कितने श्रेष्ठ स्वर्ण की नगरी में जीता था। उसके पास उसके राक्षस भी, कहते हैं कि उस जमाने में उसके लंका में 30 करोड़ राक्षस थे और वो सब लोग भी सोने की थाली में खाना खाते थे, और खाना खाने के बाद आप जैसा पत्तल बाहर फेंक देते हो, खाना खाने के बाद वो समुद्र में सोने की थाली फेंक देते, उनको रोज नहीं सोने की थाली, क्योंकि उनके पास अक्षय पात्र था। रावण को जब रावण तपस्या करके बैठ रहा था तो उसने शिव जी के पास गया और उसने कहा कि रावण तुम चाहते क्या हो, तो उन्होंने कहा दरिद्र बन के नहीं लेना चाहता, गरीब बन के नहीं लेना चाहता, असमर्थ बन के नहीं लेना चाहता, मुझे ऐसा वरदान दो मैं जो चाहूंगा वो काम कर सकूं और मैं स्वर्ण के साथ जी सकूं। कहते हैं कि ब्राह्मण को श्राप है कि वो गरीब रहेगा, मैं ऐसा नहीं जीना, तो वो ब्राह्मण था ही नहीं जीना चाहता और मुझे ऐसा देना है तो पहले तो शिव चिंतित थे, बाद में उनको रावण को उतना वो जो चाहता था वो देना ही पड़ा। और अपने आपने देखा है कि रावण ने उस स्वर्ण नगरी को अपने पास रखा और इतना ऐश्वर्य वास जिया, रावण 1,00,000 वर्ष जिया जबकि श्री रामचंद्र 10,000 वर्ष जिए, वो इतना संपन्नवान था, उसके पास उतनी संपन्नगी थी, वो यक्ष कुबेर को अपने कंट्रोल में रखा था और कुबेर यक्ष के अधिपति थे, यक्षराज के राजा थे, इसलिए हम कुबेर का मंत्र पढ़ते समय ओम यक्षाय स्वर्णाय विश्वनाय कुबेराय ऐसा पढ़ते हैं, धन धान्य अधिपति धन धान्य समृद्धि में देहिता, ऐसा इनका मंत्र है, धनधान्य समृद्धिमान है कुबेर भगवान, हम आपको प्रार्थना करते हैं कि हमारे को भी धनधान्य संपन्न करो, ऐसा यक्षराज कुबेर की प्रार्थना करते हैं। उस कुबेर के पास भी सब थे, तो कुबेर के पास शिवजी के पात्र रहे, अक्षय पात्र रहे, पर कोई भी आता था, देवता हो कोई भी, जाकर प्रार्थना तपस्या करता था कुबेर की और उनके पास से धन धान्य मांग कर ले जाता था। लेकिन एक दिन शिवजी के पास जाकर उन्होंने कहा कि प्रभु मैं इन सभी को देख रहा हूँ, ये लोग आते हैं धन लेकर जाते हैं और ऐसी जिंदगी गुजारते हैं, कोई कर्मवान नहीं, निष्ठावान नहीं है, कोई कर्म नहीं करते, फ्री में धन मिल रहा है तो लेकर बैठ जाते हैं। तब शिव जी ने कहा नहीं, तुम्हें ऐसा करना है कि जो कर्म करता है उसे धन देने की प्रार्थना करो, धन देने का उपयोग करो, आप ऐसा ही एक नियम बनाओ। तो उन्होंने कहा ये तो इससे नहीं हो सकता, तो एक बात करो, मैं तुम्हें एक यक्षिणी को देता हूँ, उस यक्षिणी का वास कहाँ है ये भी बताता हूँ और उसका नाम धनदा यक्षिणी रखो, अगर आप आज हम धनदा का अपभ्रंश ही धंधा हो गया, अरे आप क्या धंधा करते हो बोलते हैं, धंधा का अर्थ क्या हुआ, वो धनदा यक्षिणी ये थी, उसके लिए हम कहते हैं कि तुम्हारा धंधा क्या चल रहा है, धंधा कैसे चल रहा है, जो धंधा का अर्थ होता है कर्म करने वाला, पैसों के लिए कर्म करने वाले को धंधा कहा गया, और जो कर्म करता है वो अगर यक्षिणी साधना करता है तो निश्चित रूप से उसके घर में महालक्ष्मी की स्थापना, यक्षिणी की स्थापना होती है, उसीलिए उसे धंधा यक्षिणी कहा जाता है, धंधा यक्षिणी का, जिनको नौकरी नहीं है, जो व्यापार कर रहे हैं फिर भी पैसा नहीं आता, जो कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें नहीं मिलता, जिसने इस धंधा यक्षिणी की साधना संपन्न की उसके धंधा में यक्षिणी उसे आशीर्वाद देती ही देती है और आगे बढ़ाती है। इसकी पूजा कुबेर लक्ष्मी के साथ दीपावली के दिन भी करने का विधान है, लेकिन मंडला में मैं इसने मंडला इस क्षेत्र में मैं इसलिए इस साधना को संपन्न करवा रहा हूँ कि आप वृक्षाश्रित है, आप कभी भी इस साधना को अगर किसी जंगल में नदी के किनारे जाकर इस धंधा यक्षिणी की साधना संपन्न करते हो तो आप
बेकार भी हो, आपके पास नौकरी नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन एक बार धर्म एक्शन की साधना निश्चित रूप से करके देखो, आपके जीवन में व्यापार जरूर आएगा, आपके जीवन में पैसा जरूर आएगा, आपके जीवन में धन का अभाव ना होगा और धन के मार्ग में आपको लगेंगे, आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं, आप ही चार लोगों के नौकरी के लिए रस करके इतना पैसा आएगा जो धर्म एक्शन की साधना करता है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, धर्म एक्शन की साधना मैं हर दीपावली को करता हूँ, जिसमें 33 दीपक लगाने होते हैं, सीआर सिंह जी को लगाना होता है और ये उसका जब करता हूँ, और यक्षिणी को मैं हर पर्स हर एक मेरे जितने भी साधक हैदराबाद में हैं उनको पर्स में रखने के लिए धंधा यक्षिणी का यंत्र देता हूँ। आप मेरे हैदराबाद में दीपावली के दिन आकर पूछ लीजिए कि ऐसा होता है या नहीं होता है, ऐसा ही होता है। और मेरे लाभ कहते हैं कि गुरु जी आप जब यंत्र देते हैं कि हमारा पर्स अभी खाली नहीं रहता। मैं आपको कहता हूँ ये साधना, मैं बिना अनुभव के कोई साधना नहीं कहता, मैं अनुभव के बाद ही साधना करता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ तो साधना करता हूँ। मैं इसलिए आज तक कोई पुस्तक नहीं लिखा, अगर जिस दिन गुरु कृपा से पुस्तक लिखूंगा, जो मेरी पुस्तक की साधना करेंगे वो निश्चित रूप से सिद्ध होगा। मैं बातें बनाने वाली पुस्तकें नहीं लिखता, अगर मैं पुस्तक में लिखता हूँ तो वो साधना करने वाला व्यक्ति तो ये कहे कि मैंने साधना की और मुझे सिद्धि मिली। अब मैं भी आपके सामने बैठकर कहता हूँ कि अब ये साधना करो, अब निश्चित रूप से साधना सिद्ध होगी। मैं कोई शक्तिपात दीक्षा नहीं देता, शक्तिपात दीक्षा का अर्थ होता है, शक्तिपात का अर्थ होता है साधना करने के लिए शक्ति का शक्ति को प्रदान करने को शक्तिपात दीक्षा कहा गया है। आज मैं जिस धंधा यक्षिणी की साधना को कह रहा हूँ, ये धंधा यक्षिणी का वास, जिसे वट यक्षिणी का वास वट में होता है, तुलसी यक्षिणी का निर्गुणी का निर्गुणी के वृक्ष में होता है, चिंचनी वृक्ष यक्षिणी है, वैसे ही बहुत सारे वृक्षाश्रित यक्षिणी, हर यक्षिणी वृक्ष में आश्रित रहती है और उस वृक्ष को जिस वृक्ष को नलवे से काटा जाए उस वृक्ष में यक्षिणी रहती है। आप किसी भी पेड़ के नीचे चले जाओ, मैं उस यक्षिणी का मंत्र आपको देने के लिए तैयार हूँ और वो यक्षिणी आपको सिद्ध होगी। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव हो, वो अभाव को पूर्ण कर सकती हैं। कल हमारे चंद्रमोहन सिंह के बेटे ने मुझे बताया था कि प्रभु यहाँ बहुत बड़ा जंगल है, यहाँ आते जाते सारे पशु पक्षी बाघ आदि सब मिलते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने उससे कहा एक आश्रम हम यहाँ कहीं जंगल में बनाएंगे। बोले यहाँ नहीं मिलता आश्रम, जंगल में नहीं बन सकता क्योंकि गवर्नमेंट की जगह। फिर भी मैं कहता हूँ, मुझे आज भी मैं शाहडोली के अरुण को बहुत बार कह चुका हूँ कि अमरकंटक के जंगलों में हम कभी साधना शिविर बनाएंगे, साधना करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत इच्छा है कि तपस्या वहीं होती है, नदी के किनारे ही होती है और हम सिद्ध वहीं हो सकते हैं। तो यक्षराज कुबेर ने कहा, उन्होंने यक्षिणी को सिद्ध किया और जिसका नाम रखा धनदा। धनदा का अपभ्रंश ही मैं अभी भी कह रहा हूँ धंधा हुआ। धंधा का मतलब है हम आज अपभ्रंश में उपयोग करते हैं, तुम क्या धंधा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये पूछते हैं, उसका अर्थ है कि उस धनदा यक्षिणी का ही अर्थ है। और धनदा यक्षिणी की साधना जिसने संपन्न की वो एक संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व कह रहा है। तो यक्षराज कुबेर ने कहा कि हे यक्षिणी, आज से तेरा नाम धनदा यक्षिणी रख रहा हूँ, मैं यही सभी को फ्री देता था, लेकिन तू कर्म करने वाले को जरूर इस साधना में संपन्न करना, जो कर्म करता है उसे इस साधना से संपन्न करवाना, और मैं तुझे ये अधिकार देता हूँ, आज से जो भी आएगा मैं कहता हूँ कि धनदा से तुम बात करो, तुम कर्म करो, तुम्हारी यक्षिणी मिल जाएगा। तो उसने कहा कि सभी लोगों को चिंचनी है, उदयक्षिणी है, पिपटक्षिणी है, सभी को दिया, मेरा स्थान कहा है, मेरा मैं कहाँ रह सकती हूँ, मैं कहाँ किस स्थान में किस वृक्ष में मेरा वास है। तो तब धन कुबेर भगवान ने कहा कि तेरा स्थान आज जो आप वीड़ा पान खाते हो उसमें धनदा यक्षिणी का स्थान है, और आप देखते हो जहाँ भी उस पान को हम पूजा करते हैं, चाहे शादी का मुहूर्त हो या चाहे अपना कलश की स्थापना हो, कहीं भी हो उस पान को स्थापना करते हैं जो उस शुभ कहा गया है। इस पानों को कहीं अशुभ स्थान में उपयोग नहीं किया जाता और इसको शुभ कामों में स्थान किया जाता है। तो मैं जो कहता हूँ आज उस पीड़ा के पान के ऊपर छोटा सा चंद्र तिलक लगाकर अक्षत लगा दो और धनदा यक्षिणी का की साधना किसी वृक्ष के नीचे जाकर करो, आप देखो 40 दिन के अंदर अंदर आप अगर बेकार हो तो आपको धन का हमार मिलेगा। आप धन को किस प्रकार कमाओगे इसका ज्ञान आपको प्राप्त होगा, आप एक बार करके तो देखो, अगर नहीं हुआ तो मुझे कहना कि नहीं हुआ। और इस धनदा यक्षिणी का यंत्र एक विशेष रूप से कुबेर जी ने स्वयं शिव से प्रार्थना कर किया था, जिसके घर में जो बेकार है, जो कुछ नहीं कर रहा है, जो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, कोई व्यापार नहीं कर सकता, पैसा कमा ही नहीं सकता, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अगर वो उस अपने घर में धनदा यक्षिणी का यंत्र स्थापन करता है और उसका मंत्र करता है नित्य, तो
आप देखते रहना, अगर वो श्रेष्ठ नहीं हुआ तो मैं यहाँ जा बैठा हूँ, मैं फिर शिविर नहीं करूंगा, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ आपको। जिस साधना धनलक्ष्मी की साधना वृक्षाश्रक्षणी की साधना कहलाई गई, और उसको वो पान के वृक्ष को जैसा पान के वृक्ष के साथ रहा जाता है, उसके साथ भी अगर रहा गया तो उसको भी यक्ष के रूप में लिया जाता है। और आज उस यक्षिणी को, धनदा यक्षिणी की साधना को मैं आज इसलिए यहाँ सफर कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, नर्मदा नदी का हम किनारे बैठे हुए, उसमें एक घना जंगल है और घने जंगल में यहाँ जैन मंदिर मिश्र का स्थान भी था, जो विशेष विद्वान थे। कहते हैं कि यहाँ एक विशेष पत्ता मिलता है जो महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली के रूप में, महासरस्वती के जो वृक्ष हैं अगर आप देखते हैं तो आज भी वहाँ उस वृक्ष पर, अपनी नहीं देखे होंगे जंगल पे गए या नहीं, या फॉरेस्ट सर्विस से सही या नहीं, आज भी उन वृक्षों पर जहाँ उस पर हंस और मोर आके बैठते हैं वो सरस्वती का वृक्ष कहा जाता है। और जो उस सरस्वती के पान पर साधना संपन्न करता है वो विद्यावान ज्ञानवान जरूर होता ही होता है। ऐसे वृक्ष इस जंगल में है नर्मदा नदी के किनारे। ऐसी ही एक लक्ष्मी साधना, लक्ष्मी का भी, लक्ष्मी यक्षिणी भी है, जिसको अगर हम वट वृक्ष पर बैठकर अगर उस लक्ष्मी साधना को उस मंत्र के साथ करते हैं, एक ही 11 दिन पर उस विशेष मंत्र को करते हैं, तो मैंने वो साधना वट वृक्ष पर बैठकर की थी और मैंने देखा था कि मेरे सामने एक हरा सांप सामने आकर दिया, दर्शन दिया, और उसके बाद मैंने मेरे आश्रम की स्थापना की। मैं आप किसी को पूछ सकते मैंने साधना की। वैसे ही आज मैं आपको कह रहा हूँ, यह जो धनदा यक्षिणी साधना है, महाकाली की साधना है, अपने तुलसी माता की साधना है, इन साधनाओं में इन वृक्षों के नीचे क्यों किया जाता है? हर देवता का एक वृक्ष है, बिलवृक्ष भी है, निर्गुंडी भी है, बिलवृक्ष की साधना भी है। शिव जी बिलवृक्ष पर के नीचे बैठते हैं, उनको बिलो चाहिए, विष्णु को तुलसी चाहिए, गणेश जी को दुर्वा चाहिए, दुर्वा की भी यक्षिणी है। तो इसके मंत्र सभी को आज लुप्त है, ये यक्षिणी साधनाओं के बारे में बहुत लोगों को नहीं जानते। तुम्हारे जो आसपास में जो वृक्ष है, हर वृक्ष में एक 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 दिव्य शक्ति निर्धारित है, और उस यक्षिणी के रूप में उसको हम अगर पहचान लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उसकी साधना संपन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे में वो शक्ति प्राप्त होकर हम कभी बेकार आदमी बैठा नहीं रह सकता और दुखी जीवन नहीं जी सकते। इतना ही है कि हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे वृक्ष काटे जाते हैं, हमारे लोगों में भी कहा जाता है पीपल का वृक्ष काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, क्यों काटना चाहिए? लेकिन कुछ ऐसा होता है, अपने घर पर उग के आते हैं या कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ काटना जरूरी होता है, तो उसका विधान क्या है? जब भी वृक्ष काटो उस वृक्ष को फिर लगाओ, चाहे वो जंगल में हो या घर में हो, कहीं भी हो, वृक्ष को काटने से पहले इसका ध्यान रहना जरूरी है। आज मैं धनदायक्षिणी की जो साधना कर रहा हूँ, कह रहा हूँ उसको, अगर आप पान के पत्ते पर धनदायक्षिणी का यंत्र रखकर पहले कुबेर महाराज को नमस्कार कर उनका उनके एक माला मंत्र कर, धनदा यक्षिणी का मंत्र है जिसको केवल 5 माला या 11 माला या 100 माला संपन्न करते हैं, आप निश्चित रूप से रोज, केवल अगर व्यापार है आपका या घर है तो एक ही बात करना, एक पान का पत्ता हरा ले लेना, उसके ऊपर चंदन का तिलक करना, कुमकुम लगाना, और उसके ऊपर धनदा यक्षिणी का यंत्र रखते हुए केवल 5-11 बार जितना भी उसके आप यंत्र बोल देना, आप निश्चित रूप से आपके दिल पे हाथ रखकर मैं 40 दिन में फोन करके बोलो कि आपका व्यापार चल रहा है नहीं चल रहा है, आपका धंधा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको बेकार है कि पैसा आया है नहीं। आप कहकर करने के बाद बोलो, लेकिन साधना करने से पहले नहीं, मैं साधना के प्रति जागरूक हूँ, साधना करता हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं नित्य साधना, बिना साधना के बाहर नहीं आता, वर महीने में 5 दिन से साधना, ऐसी साधना करता हूँ जो उग्र रूप से हो। आज आपको भी मैं कह रहा हूँ, जिसने धनदा यक्षिणी की साधना संपन्न की, केवल उसमें करना यह है कि एक हरा पान का पत्र लेना है, उसके ऊपर चंदन अक्षत कुमकुम लगाना है, धनदायक्षिणी का यंत्र लगाना है, और मैं जो मंत्र धनदायक्षिणी का मंत्र बोल रहा हूँ उसको मंत्र करना है, उससे पहले कुबेर मंत्र। मैं ये भी गुरु जी के हाथ से, अगर आप 1986 की गुरु जी की जनवरी या फरवरी की पुस्तक अगर आप पढ़ते हैं तो गुरु जी ने उसमें कहा था, जो कुबेर मंत्र का 5 माला पीले हकीक माला के साथ कुबेर मंत्र के सामने करता है उसके घर में धन का अभाव नहीं होता। लेकिन हम करते ही नहीं, हम कहानी सुनाते हैं, गुरु जी आज स्नान नहीं किया था, आज काम था चले गया, आज नहीं किया। आप करके तो देखो, 5 वाला केवल कुबेर मंत्र की नित्य करके देखो, आपके घर में धन का अभाव हो तो बोलना, पीली हकीक माला से करना, आपको कभी धन का अभाव नहीं होगा, ये मेरा अनुभव है। आप भी आपका परिवार चलाते हुए 10 लोगों को खिलाने की शक्ति रखते हैं, आप आज के दिन में महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली के रूप में एक मनुष्य सिद्ध हो तो 4 लोगों का
को सहायता कर सकता है। अगर इसके पास शक्ति ही नहीं है, जिसके पास ज्ञान ही नहीं है, जिसके पास पैसा ही नहीं है, खुद जीने के लिए परेशान है, तो दूसरों को क्या सहायता कर सकते। मैं शुष्क बातें नहीं करता, सुखी बातें नहीं करता। अब केवल ऐसा करो हो जाएगा, मैं कहता हूँ तो साधना करो, तुम्हें फल नहीं मिला तो कहना, लेकिन साधना जो गुरु जी के मार्ग पर चलता है वो करके दे, आप करो तो सही। आज आपको इस क्षेत्र में मैंने जो धंधा एक्शन की साधना की थी, इस साधना के साथ साथ एक बार और एक बार आपको उदाहरण देता हूँ कि धंधा एक्शन को पान के पत्ते पर रखा जाता है। और वैसे ही एक बार क्या हुआ था कि रावण आकाश में उड़ते जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रंभा जो अप्सरा है वो जो आकाश मार्ग से जा रही थी, जब उन्होंने रंभा को देखा तो उनका मन विचलित हो गया और रावण उनके पीछे भाग खड़ा हो, तो रंभा को पकड़ने गया तो रंभा ने कहा, रावण शर्त करो, मैं तुम्हारे भाई की पत्नी और तुम मुझे ऐसा छेड़ते हो तो तुम्हें पाप लग जाएगा, तुम परस्त्री पर देखते हो। तो उसने कहा, तुम अप्सरा हो, तुम देवताओं की वेश्या हो, वेश्याओं को कोई धर्म नहीं होता, कोई स्त्री नहीं होती, मैं तुम्हें जरूर छेड़ता हूँ। और उन्होंने रंभा को बहुत सताया और रंभा को हाथ में पकड़ कर खींचने लगे और पूरा किया, तो वह कुबेर के भाई नल कुबेर, कुबेर के बेटे नल कुबेर की पत्नी थी रंभा, वह गई और वहाँ जाकर उसने रोते हुए कहा कि रावण ने मुझे इस प्रकार छेड़ा है। तो नल कुबेर तपस्वी थे, उन्होंने देखा और अपने ज्ञान से प्राप्त किया कि सचमुच रंभा के प्रति अन्याय हुआ, तो उन्होंने शाप दे दिया कि हे रावण, बिना स्त्री की इच्छा के अगर तू उसको छीता है तो तेरे सर के हजार टुकड़े हो जाएंगे। ये शाप जब रावण ने सुना तो रावण हतप्रभ रह गया। आप देखते हैं कि सीता को उठा के ला सका लेकिन सीता को छूने स्पर्श नहीं कर सका उसकी मर्जी के विरुद्ध। यही कारण था कि रावण ने सीता को छुआ नहीं, क्योंकि उसको अगर सीता की मर्जी के विरुद्ध छीता तो उसके सर के 100,000 टुकड़े हो जाते थे। ये नल कुबेर का शाप था। अब जब ब्रह्मा ने कहा कि मैं ऐसी जिंदगी कैसे जी सकती, बोलो कि मैंने मेरा ऐसा जीवन कैसा होगा, वो गई नल कुबेर के पास, तो उन्होंने कहा, मेरे पिता, मेरे भाई, बड़े भाई कुबेर के पास जाकर तुम क्या चाहती हो जाकर कहो। कि मैं बोली, ऐसा राम से छेड़ी गई तो मेरी पूजा कौन करेगा, कैसा होगी, कैसी होगी मेरी पूजा। तब कुबेर ने कहा, ये तेरी गलती नहीं है, ये गलती है रावण की, और तू ही तेरी बिना इच्छा के उसने किसी ने तेरे ऊपर शक्ति का प्रयोग किया है, तो मैं तुझे कहता हूँ कि वो शक्ति प्रदान करता हूँ और मैं तुझे आज से पूजा के योग्य बनाता हूँ। जो लोग तेरी पूजा करेंगे, जो तेरे पास धंधा यक्षिणी धन प्रदान करते हैं, तो आज से तू खाना प्रदान अन्नपूर्णा से अन्न प्रदान करेगी और तेरे पास जो अन्न खाएगा तेरे इसमें उसको अन्न की कमी नहीं होगी। आज आपको अगर पता है नहीं तो नहीं पता है तो केले के वृक्ष को केले को रंभा फल कहा गया है और केले के पत्ते के ऊपर हम खाना खाते हैं और उसी इस पर वो रंभा फल और रंभा नाम की उस अप्सरा को केले में वास करते हुए कहा था कि हम हर अच्छे कामों में दो पारों के ऊपर केला रखकर सुबह ही रखकर देते हैं, शुभ काम गया। ये दोनों भी यही कारण है कि वृक्षाशील दक्षिण के साथ इस काम को करवाया जाता है और रंभा उस तरह पूजनीय और रंभा फल कहने के कारण केले की पूजा होती है। केला खाने वाला आप कहते हैं किसी भी डॉक्टर या आयुर्वेद के इसको पूछो, अगर आप सुबह उठकर केला खाते हैं तो आपके शरीर बहुत स्वस्थ रहता है ऐसा कहा गया है। और केले के पत्ते पर खाना खाने वाला अन्नपूर्णा से प्रफुल्लित होता है। आज भी आप किसी मंदिरों में कहीं भी जाओ आपको केले के पत्ते पर खाना खिलाएंगे लेकिन नीचे के पत्ते पर नहीं, क्यों, इसके पीछे क्या है, ये वृक्षाश्रित दीक्षणीय रंभा को ये पद उन्होंने कुबेर ने प्रदान किया था। इस प्रकार यहाँ जो जंगल से घना पूरा मंडला है, हम या आप सब लोग अगर इन वृक्षों के नीचे अगर हम साधना ऐसी कोई साधना संपन्न करते हैं तो हम कभी दरिद्रता देख नहीं सकते, हम धनवान बनेंगे, हम हजार लोगों को खाना खिलाने की शक्ति, हजार परिवारों को चलाने की शक्ति हमारे पास रखेंगे और ऐसे संपन्नवान बने, इसलिए मैंने धंधा एक्चुअली की साधना यहाँ संपन्न करवाने की बात की है। आज आपको भी करवाने उस नल कुबेर ने उस रंभा को जैसा वरदान दिया था, कुबेर जी ने जैसा वरदान दिया था धंधा एक्चुअली को, आपको कहता हूं कि आप अगर ये साधना संपन्न करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी प्रकार का पैसा कम पड़ना या किसी प्रकार की धन का अभाव होना नहीं हो सकता। और आप इस साधना को संपन्न कर कभी याद रखना कि कोई अनिल कुमार जोशी नाम का एक आदमी मंडला में आया था और उसने ये साधना संपन्न करवाई थी। हम ये साधना संपन्न करवा के आज गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे पास धन था, तो मैं छुट्टी मेरे बड़े छुट्टी हो जाता हूँ, कम से कम आपका गुरु भाई बनकर गर्व अनुभव करूँगा।
मैं आपको 15 मिनट का समय देता हूं, आप नंदा क्षण का यंत्र लेकर आ जाइए। मैं ये भी बात समझ आज अभी अभी भी बता रहा था कि गुरु पैसा लेने वाला नहीं हो सकता। मैं यंत्र के पैसे लेके ले रहा हूं आपके पास, यंत्र तो बनाना पड़ता है, मुझे तो पैसे देना पड़ता है, केवल यंत्र के पैसे ले रहा हूं। मैं कोई शक्तिपात की या गुरु चादर की या गुरु दक्षिणा की पैसा नहीं ले रहा हूं, केवल उस यंत्र की जो यंत्र लेकर आकर बैठो, मैं आपको धंधा यक्ष की साधना यहाँ मैं यही करवाऊंगा। मैं चंद्रमोहन सिंह जी से कहता हूँ अगर हो सके तो सब आहुति एक भी डलवा दूंगा, उनको यहीं सिद्ध करवा के भेज दूंगा, वो जीवन में याद करें कि चंद्रमोहन सिंह जी ने एक ऐसी साधना मंडला में करवाई थी जो हम धनवान हुए। आपको उस साधना को संपन्न करवाऊंगा, आप यंत्र आदि लेकर यहाँ आ जाए, मैं साधना आपको संपन्न करवाऊंगा। सत्य श्री।